स्टूडेंट्स वेलकम टू जैरीन क्लासेस। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में थेफ्ट पढ़ना शुरू कर दिया था और मैंने आप लोगों को बताया था उसी टॉपिक पर कि जब भी हम लोग थेफ्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा सेक्शन है, तो हम लोगों को छोटा छोटा टॉपिक, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है डेफिनेशन के अंदर, एक्सप्लेनेशन के अंदर, सभी को अच्छे से पढ़ना होगा। तो आज इंट्रोडक्शन जब हो गया है तो हम लोग उसके बाकी के डिटेल्स देखेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, इन सभी चीजों को हम लोग वन बाय वन करके लेके चलेंगे। और क्योंकि हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो हम लोगों को केस लॉस रेफर करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग थेफ्ट का इस लेसन को, ये सारे लेसन को देखने के बाद अगर अपना नोट्स बना के रखना चाहते हैं और कभी भी मेंस के एग्जाम में या कभी भी हम आप लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं थेफ्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, तो उसमें केस लॉस कुछ इम्पोर्टेंट मैं आज के लेसन में दे दूंगी आप लोगों को, तो वो सभी चीजें आप लोग मेंशन कीजिएगा तो आप लोग अच्छे स्कोर के साथ अपना एग्जाम जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये केस लॉस जो है मैं बाद में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी विथ साइटेशन की क्या क्या साइटेशन है सभी केस लॉस की, तो आप लोगों को बाद में उसको पढ़ने में भी हेल्प मिल जाएगी। तो मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन से लेकर। ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन का होना थेफ्ट में बेहद जरूरी है, ये मैंने आप लोगों को जो थेफ्ट का इंट्रोडक्शन का वीडियो दिया था उसमें आप लोगों को बताया ही था, और इंग्रेडिएंट्स बताए थे मैंने कि थेफ्ट के क्या एसेंशियल और बेसिक इंग्रेडिएंट्स होंगे तो ही जो है थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो ये पूरा जो इंग्रेडिएंट आया था वो कौन से केस से आया था, तो उस केस का नाम है के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जब भी हम लोग बेसिक इंग्रेडिएंट्स टू द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट लिखेंगे तो हम लोग इसको साथ में साइट कर सकते हैं कि कौन सा के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि AIR 1957 का है, और उसके अलावा एक AN पर वर्सेस एम्परर है। तो ये सभी केसेस आप लोग इंग्रेडिएंट्स में दे सकते हैं, जितना केस लॉस डालेगा उतना ही एनरिच और बहुत अच्छा आप लोगों का आंसर प्रिपेयर हो सकता है। तो ये दो केस लॉस आप लोग दे सकते हैं फॉर बेसिक इंग्रेडिएंट्स टू द थेफ्ट। उसके बाद हम लोग डिसऑनेस्ट इंटेंशन पे बात करते हैं कि थेफ्ट होने के लिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन का होना बेहद जरूरी है, जिसमें कि हम गुड फेथ से कुछ काम नहीं करेंगे ताकि सामने वाले को लॉस हो, मेरा रॉन्गफुल गेन हो और सामने वाले का रॉन्गफुल लॉस हो, तो इसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन का होना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए भी आप लोगों को दो तीन केसेस मैं आज बता देती हूँ। सबसे पहले है एम्परर वर्सेस नौशे अलीम खान। तो एम्परर वर्सेस नौशे अलीम खान का जो केस है उसमें ऐसा हुआ था कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन से कुछ बुक्स छीन के ले गया और स्नैच अवे कर लेने के बाद उसने कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हारे घर आके वापस कर दूंगा। अब जिससे छीना उसका कंसेंट था नहीं, वो जबरदस्ती ले लिया उसके पोजीशन से। सपोज मैंने आपसे आपका बुक छीन लिया, आपके पोजीशन से मेरे पोजीशन में आ गया, थेफ्ट कमिट हुआ, मूवेबल प्रॉपर्टी है बुक्स, ये भी हो गया। तो ये जो केस हुआ जिसमें कि मैंने सपोज आपको कहा कि मैं आपको बुक्स जो है रिटर्न कर दूंगा जब मैं आपके घर आऊंगा, ठीक है, इस तरह से अगर केस है तो उसमें मैं जो एक्यूज्ड है, यानी इस एग्जांपल में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, मैं एक्यूज्ड हूँ तो मैं थेफ्ट के ऑफेंस के लिए गिरफ्तार की जाऊंगी, ठीक है। तो यही केस है जिसका ये नाम मैंने आप लोगों को बताया, एम्परर वर्सेस नौशे अलीम खान। तो ILR 34 है, तो इसका भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एक दो और केसेस है, जैसे R वर्सेस डेवीज, इसमें चेक एंडोर्समेंट का केस था। फिर क्वीन एम्प्रेस का क्वीन एम्प्रेस वर्सेस श्री चुरुन चुंगो। जैसे कि हम जैसे कि हर केस में फैक्ट्स ऑफ द केस को देखते हुए कोर्ट का जजमेंट आता है, डिसीजन आता है, तो ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन, द क्वेश्चन ऑफ वेदर द एक्यूज्ड हैड अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज वन ऑफ फैक्ट। ये एक फैक्ट है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन था कि नहीं, ये हर केस में हर फैक्ट में देखा जाएगा, ये एक फैक्ट के तौर पे। तो ये कौन सा केस है, यही केस है हमारा क्वीन एम्प्रेस वर्सेस श्री चुरुन चुंगो का, ठीक है, ये ILR 22 का केस है, इसका भी मैं दे दूंगी आपको साइटेशन। तो ये कुछ केसेस हैं, और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट केस है महादेव विश्वनाथ पारुलेकर वर्सेज LP लोबो। इस केस में क्या हुआ था कि ऐसा पार्टनर कैन नॉट डू थेफ्ट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है,
इट कैन नॉट बी लेड डाउन एज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ कि पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म का कोई भी सामान चोरी नहीं कर सकता है, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी लेड डाउन एज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, इसी को जनरल प्रिंसिपल नहीं बना देंगे. एज बिकॉज मैं पार्टनर हूँ एक पार्टनरशिप फर्म का, तो मैं चोरी नहीं कर सकती, मेरे ऊपर थेफ्ट का केसेस नहीं लग सकता है, ऐसा नहीं है. That a partner can in no circumstances commit theft of the partnership property. यही है केस हमारा महादेव विश्वनाथ पारुलेकर वर्सेस एलपी लोबो का. आप लोग इसको भी मेंशन कीजिएगा. तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी. अब मूवेबल प्रॉपर्टी का भी थेफ्ट में होना बहुत जरूरी है. मैंने हर बार आप लोगों को कहा है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से लेकर मैं से रिलेटेड मैंने आप लोगों को 3-4 केस लॉज बताए हैं. अब आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के पास. मूवेबल प्रॉपर्टी का होना बेहद जरूरी है, बिना मूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट कंस्टिट्यूट ही नहीं किया जाएगा. डेफिनेशन में ही लिखा हुआ था पिछले वीडियो में, जिसने पूरा वीडियो को देखा है उनको पता होगा मैंने बताया था कि मूवेबल प्रॉपर्टी होना बेहद जरूरी है. तो मूवेबल प्रॉपर्टी के भी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, 2-3 मैं लिस्ट में आप लोग डिस्क्रिप्शन बहुत जरूर से चेक कीजिएगा, उसमें आप लोगों को बता दूंगी. तो सबसे पहला है कि सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जो अर्थ के साथ अटैच है ना. याद आ रहा है ना जिन लोगों ने वीडियो देखा है फर्स्ट पार्ट, सॉरी. तो वो सभी चीजें जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगी. उसमें एक्सप्लेनेशन 1 और 2 सेक्शन 378 में एक्सप्लेन भी किया गया है डेफिनेशन में कि दैट ए प्रॉपर्टी बिकम्स मूवेबल व्हेन इट इज सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ. जैसे मैंने आप लोगों को ट्यूबवेल का एग्जांपल दिया था कि जब तक वो अटैच है तब तक इमूवेबल है. जैसे ट्यूबवेल को उखाड़ लिया जाएगा वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा. ट्री जब तक अटैच्ड है लैंड के साथ इमूवेबल है, जैसे ही ट्री को कट कर दिया जाएगा वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा. ओके तो ए स्टैंडिंग ट्री इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. Similarly, when the accused had dishonestly carried away 100 car loads of earth from the complainant's land, it was held that he was guilty to the offence of theft. Suppose बहुत कोई एक accused है. Accused के ऊपर क्या हुआ? Accused क्या किया था कि किसी के जमीन से जाके भर भर के trucks में भर भर के उसने उस जमीन से मिट्टी निकाल के ले गया. तो क्या ये movable property है? अब क्योंकि land है, earth है, soil है, तो क्या कहेंगे उसको immovable? नहीं. जब ये ले जा रहा था तो उसको ये कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो उठा उठा के ले गया ना, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी हुआ. तो ये कौन से केस में डिसाइड हुआ? कि कृष्णा रेड्डी वर्सेस मुनिप्पा रेड्डी. इस केस में डिसाइड हुआ कि 100 कार लोड्स ऑफ अर्थ फ्रॉम द कंप्लेनेंट्स लैंड ले जाना थेफ्ट होगा. कृष्णा रेड्डी वर्सेस मुनिप्पा रेड्डी. अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के मामले में. सी इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट थेफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन विद इन सेक्शन 379 में थेफ्ट का पनिशमेंट है. तो इलेक्ट्रिसिटी चोरी करना जो है वो थेफ्ट नहीं कहा जाएगा. क्यों? क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर किया जाता है. ये कौन से केस में डिसाइड हुआ? ये अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार पूछा जा चुका है. स्पेशल ध्यान दीजिए इसको कि अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये डिसाइड हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी थेफ्ट नहीं कंसिडर की जाएगी. ये किस में आ जाएगा? इसको पनिशेबल किया जाएगा अंडर सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910. ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 में जो है इलेक्ट्रिसिटी चोरी का पनिशमेंट दिया जाता है. ऑन द अदर हैंड कुकिंग गैस और वाटर पासिंग थ्रू पाइपलाइन कैन बी सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट. ठीक है, कुकिंग गैस का चोरी पाइपलाइन के थ्रू. बहुत सारे मेट्रो सिटीज में अब गैस की कनेक्शन सिलेंडर नहीं होता है, वो पाइपलाइन के थ्रू कुकिंग गैस की सप्लाई होती है, तो उसकी चोरी या फिर वाटर की चोरी पाइपलाइन से पानी की चोरी को थेफ्ट कहा जाता है, सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट माना गया है. व्हेन द एक्यूज्ड फिक्स्ड अ पाइप इन द मेन लाइन जस्ट बिफोर द मीटर टू अवॉइड पेमेंट ही वाज लायबल हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट. लेकिन जैसे ही कोई सब आदमी कोई मेन मीटर पानी की बिल होती है, वाटर टैक्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, तो उसके अलावा कुकिंग गैस का भी मीटर होता है. मीटर के पहले ही कोई अगर ले लेता है उससे कनेक्शन, सपोज मैं अपने घर को रेंट पे लगा रही हूँ, तो रेंटर जो है सपोज साइड वाले ब्लॉक में रहता है और मीटर से मेरे मीटर के कनेक्शन के पहले से उसने चोरी कर ली गैस की या पानी की, तो उसको थेफ्ट कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, ये आता है हमारा व्हाइट
का एक केस है और आर वर्सेस फर्थ इसके केस में, फिर आइडल्स फ्रॉम द टेम्पल्स, पेंटिंग फ्रॉम म्यूजियम्स एंड अदर पब्लिक और प्राइवेट प्लेसेस आर सब्जेक्ट टू थेफ्ट। ये सभी चीजें भी थेफ्ट है। काफी बार ऐसे पूछे क्या मूर्तियां चोरी की जा सकती है क्योंकि वो मंदिर में है, काफी बार अटैच होती है तो लोगों को लगता है नहीं मूर्ति तो इमूवेबल है उसको हटा नहीं सकते, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मूर्ति अगर कोई उठा के ले जा रहा है तो वो थेफ्ट होगा, पेंटिंग में म्यूजियम से उठा के ले जा रहा है थेफ्ट है, अदर पब्लिक या प्राइवेट प्लेसेस को भी सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट माना गया है। ह्यूमन बॉडी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी चाहे वो लिविंग है या डेड है इज नॉट सब्जेक्ट टू थेफ्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है, कोई इंसान का बॉडी चाहे वो जिंदा है, जिंदा होगा तो फिर किडनैपिंग हो जाएगा, एबडक्शन में कंसिडर करेंगे, मरा हुआ डेड बॉडी एक्सेप्ट ममीज, जो ममीज वगैरह बना के रखा जाता है या जो कि प्रिजर्व किया जाता है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने के लिए, उसके अलावा कोई भी लिविंग बॉडी है या डेड बॉडी है वो सब्जेक्ट टू थेफ्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। और ये डिसाइड हुआ था हमारा अहमद वर्सेस स्टेट के केस में, AIR 1967, डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कीजिएगा, मैं हर बार आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये तो एक कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज जो मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए रिगार्डिंग डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। और इसके अलावा एक बेसिक डिस्टिंक्शन जान लीजिए, काफी बार पूछा जाता है कि लार्सेनी जो कि इंग्लिश लॉ का है और हमारे में है थेफ्ट, तो लार्सेनी और थेफ्ट का बेसिक डिफरेंस क्या है। लार्सेनी होने के लिए जो है ओनर होना बहुत जरूरी है, कोई भी इंसान अगर किसी सामान का मूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर है तो वो लार्सेनी हुआ। हमारे इंडियन में इंडियन लॉ में क्या है थेफ्ट में पोजीशन से अगर कोई लेके जाता है, जरूरी नहीं है कि वो उसका ओनर ही हो, पोजीशन से अगर लेके निकाल के ले जाता है तो भी वो थेफ्ट होगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है, ओनर का वो ओनर रहेगा लार्सेनी में और थेफ्ट में पोजीशन से निकाल के ले जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है मूविंग प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, अगर प्रॉपर्टी को लेने के दौरान कोई और चीज को मूव कर रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में आप लोगों को याद होगा, तो वो भी जो है सब्जेक्ट टू थेफ्ट होगा। सपोज इलस्ट्रेशन बी, जिन लोगों ने वो वीडियो को देखने के बाद सारे इलस्ट्रेशन जिन्होंने पढ़ा है, इलस्ट्रेशन बी में है कि एक आदमी बेट रखता है अपने पॉकेट में ताकि वो जेड के पोजिशन से उसके डॉग को निकाल के ले जा सके। तो जैसे ही अब सपोज डॉग को तो उसने टच नहीं किया, जैसे ही अपने पॉकेट से उसने वो स्टिक को वो बेट को निकाल के वो मूव करने लगता है जिससे कि डॉग उसके पीछे पीछे चलने लगता है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा थेफ्ट में। ठीक है, यही है मूविंग प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, उसको ले जाने के लिए कुछ और चीजों का यूज होना। तो ये सभी चीजें हैं आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। फिर एक और है टेकिंग विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये तो मैंने बताया, लेकिन इसका है कि बींग द एसेंशियल इंग्रीडियंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, वन ऑफ द इंग्रीडियंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज इंटेंशन टू टेक इट डिसऑनेस्टली, ये तो बताया। दिस इंटेंशन इज नोन एज एनिमो फ्यूरेंडी, यही टर्म्स को बताने के लिए मैंने ये दो लाइन आप लोगों के लिए रीड आउट किया। एनिमो फ्यूरेंडी मतलब टेकिंग विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, इसको भी याद रखिएगा। एनिमो फ्यूरेंडी पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, उसके बाद चार ऑप्शन दे देंगे, तो उस समय आप लोगों को पता होगा कि थेफ्ट में डिसऑनेस्ट इंटेंशन से लेके निकाल के टेकिंग विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मीनिंग होता है एनिमो फ्यूरेंडी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए। 378 इसी से हो जाएगा आप लोगों को, या फिर टेम्पोर, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट लेके जाना होगा। इवन ए टेम्पररी डिटेंशन और डिप्राइवेशन इज एनफ टू शो दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, कुछ समय के लिए भी अगर हटा देता है कोई ऑफिस से, ऑफिस का फाइल कुछ समय के लिए बाहर किसी को दे जाता है, फिर उसके मेन जो हेड है उसके एब्सेंस में वो फाइल लाके वापस रख देता है, उससे क्या हुआ बीच में जो डाटा है लॉस हो गया, कुछ और गलत रॉन्गफुल गेन स्टाफ को हो गया और इसको जो ओनर है उसको रॉन्गफुल लॉस हो गया, तो ये भी थेफ्ट होगा इसीलिए, और बिना उसके कंसेंट के ले गया तो ये जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स में ही आता है। तो ये टेम्पररी डिटेंशन का अगर आप लोग केस लॉस जानना चाहते हैं उसका भी है कि इन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हर चीज में आ रहा है कि इन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जरूर से इसको मेंशन कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पनिशमेंट आता है सेक्शन 379 में, तो थेफ्ट के लिए पनिशमेंट होता है आइदर पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म ऑफ थ्री इयर्स, 3 साल
विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन, और उसमें फाइन भी लग सकता है, ठीक है, और दोनों ही हो सकता है. तो 379 इज द पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, सब्जेक्ट टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, एक्सटेंड होके 3 साल तक हो सकता है, साथ में फाइन हो सकता है, या फिर फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों ही हो सकता है. तो ये मुझे लग रहा है आप लोगों को मैंने थेफ्ट का बहुत अच्छे से समझा दिया. तो ये जो नेचर है, नेचर ऑफ क्राइम ऑफेंस कैसा है, द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है एंड ट्रायबल बाय अ मैजिस्ट्रेट द्वारा ट्राई किया जाएगा. कोई भी क्लास के बारे में नहीं मेंशन है कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हो गया क्या होगा, बस मैजिस्ट्रेट, ट्रायबल बाय अ मैजिस्ट्रेट, नॉन वेलेबल एंड कॉग्निजेबल इन नेचर. तो आज हम लोग थेफ्ट को यही कंप्लीट करते हैं. इसके बाद दो तीन सेक्शंस और हैं, 380 जिसमें कि ड्वेलिंग हाउस के ऊपर है, फिर उसके बाद सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ मास्टर, ये सभी चीजें हैं. तो ये हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक वीडियो बना के मैं आप लोगों को बता दूंगी. और थेफ्ट जो है हमारे पसंद आया है या किसी तरह के भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें. आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच.